गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। किसानों की दिल्ली कूच के समर्थन में और इस पर सरकार के दमन के खिलाफ शुक्रवार को सरजू पांडे पार्क में वामपंथी दलों के किसान संगठनों ने धरना दिया। अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि देश का किसान आज मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। इस किसान आंदोलन में यह तय होना है कि देश की खेती पर अधिकार किसानों का होगा या यह कंपनियों के हवाले हो जाएगी। सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक राजेंद्र यादव, जनार्दन राम, राजदेव यादव, विजय बहादुर सिंह, गुलाब सिंह, राम अवध, राजेश बनवासी, योगेंद्र भारती, रामकृत, योगेंद्र यादव और शत्रुघ्न भारती ने संबोधित किया। अध्यक्षता मोदी प्रधान और संचालन डॉक्टर राम मदन सिंह ने किया। यातायात माह के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के भुतैया टाड़ में शुक्रवार नेत्र शिविर कैंप लगाया गया। इसमें उपस्थित चिकित्सकों ने ऑटो, ट्रक, बस सहित प्राइवेट वाहनों के चालकों के आंख की जांच की। जांच के बाद चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने चालकों को आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। कैंप में कुल 85 चालकों के आंखों की जांच की गई। इस मौके पर चालकों को यातायात के प्रति जागरूक करते हुए यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने कहा कि उन्हें अपनी आंखों का परीक्षण समय समय पर कराते रहना चाहिए, क्योंकि वह उस पेशे में है जिसमें वाहन चलाते समय खुद उनकी जान खतरे में नहीं रहती, वरन उसके वाहन में मौजूद सवारियों को भी जान का खतरा रहता है। इस अवसर पर चिकित्सक के सहयोगी कैलाशपति ओम प्रकाश के साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज के मैदान में शुक्रवार को महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट की भर्ती चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 30 सीटों के लिए जूनियर डिवीजन के 87 एवं सीनियर डिवीजन के 14 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 167 सेंटीमीटर की लंबाई, 600 मीटर की दौड़, 25 पुशअप एवं 25 सिटअप और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन 92 यूपी बटालियन के सीओ कर्नल सुगंध शर्मा के कुशल नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर कर्नल सुगंध शर्मा ने कहा कि एनसीसी एकता एवं अनुशासन का प्रतीक है। चयन प्रक्रिया के दौरान प्राचार्य डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय, एनसीसी अधिकारी डॉक्टर विलोक सिंह, प्रशिक्षक संजय राय, सूबेदार बलभद्र थापा, हवलदार योगेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर देवी सिंह, नायब सूबेदार चंद्र बहादुर, नायब सूबेदार आशीष रंजन, हवलदार विक्की राणा, हवलदार राजवीर, हवलदार विनोद आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी को संबोधित मांगों का पत्रक सदर एसडीएम को सौंपा है। इस पत्रक में कहा गया है कि पहले भी मांग की गई थी कि जनपद के करंडा क्षेत्र में बाजरे की खरीद के लिए क्रय केंद्र पर कांटा लगाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई उपाय नहीं हुआ। इसकी वजह से बिचौलिए भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अन्य समस्याओं की भी जानकारी दी गई। कहा गया कि इन समस्याओं को अगर 10 दिनों के अंदर दूर नहीं किया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर जिला महामंत्री विजय सिंह शेरू, जिला संगठन मंत्री हर्ष सिंह, जिला प्रचार मंत्री हैप्पी सिंह, रघुराज सिंह, जेपी सिंह, पुष्कर सिंह, अंकुर सिंह, शिवम सिंह, सत्यम सिंह आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे संविधान दिवस सत्ता का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय छावनी लाइन पर पार्टी के नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब आम आदमी को समान अधिकार के साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में भारतीय संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि पारदर्शिता के साथ व्यवस्था में सबको समान अधिकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है, जिसके बल पर समाज के एकीकरण और आपसी सद्भाव को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस मौके पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरोज कुशवाहा, विधायक सुनीता सिंह, कृष्ण बिहारी राय, सुनील सिंह, अखिलेश सिंह, ओम प्रकाश राय, अच्छे लाल गुप्ता, सुरेश बिंद, बसावन बिंद, राजेश तिवारी, गोपाल राय, शशिकांत शर्मा, अजीत सिंह, सुनील यादव, अशोक मौर्य आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।